यार आप कल कहाँ थी? बीच बीच में आप चली गई थी कल। ऐशिका आ रहे हो? यस मैम। ओके तो कल हमने स्टार्ट किया था वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो उसमें वो बताता है, ये थ्योरी वो बताता है कि कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है। तो कल मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, ऐशिका कैन कैन एक्सप्लेन दैट पॉइंट? मैंने कल एक पॉइंट लिखाया था कि कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि वीबीटी थ्योरी उसी के बारे में बताता है। इशिका, हैव यू रिमेम्बर दैट पॉइंट? Now we wrote about overlapping and bond ओके, strength. आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन। फर्स्ट पॉइंट देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहता है कि अगर कोई भी कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वहां पे ओवरलैपिंग होता है। किसका ओवरलैपिंग होता है? हाफ फिल्ड वैलेंस सेल ऑर्बिटल। तो पहला आपको मीनिंग पता होना चाहिए, व्हाट इज वैलेंस सेल। वैलेंस सेल क्या होता है? किसी भी एटम का अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है वही क्या कहलाता है? आपका वैलेंस सेल कहलाता है। ठीक है, और आप हाफ फिल्ड क्या होता है? हमें पता है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? टू। पी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? ताहिरा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर आर एन पी कैन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं पी ऑर्बिटल्स में? 3 orbitals. ऑर्बिटल्स आर थ्री। मे आई नो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी में कितने? सिक्स. मैक्सिमम सिक्स। वो तो फुलफिल्ड हो गया। ठीक है, तो हाफ फिल्ड क्या होगा? ताहिरा, यू आर टेलिंग मी दैट एट इट्स पॉसिबल। आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन। देखो, ये तुम्हारा होता है 1s ऑर्बिटल। ठीक है, s ऑर्बिटल है, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? दो रहते हैं। जब ये फुलफिल्ड रहेगा, इट कंटेन टू इलेक्ट्रॉन। हाफ फिल्ड में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? बस एक रहेंगे। हाँ या ना? अगर मैं पी की बात करूं, पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, और मैक्सिमम एक ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन, तो पी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? सिक्स। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट डी ऑर्बिटल्स, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन डी? ताहिरा, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन डी? डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? ओके, ताहिरा करेक्ट। इशिका, इशिका, विभूति, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? मैम 5 orbitals, 10 electrons. ओके, तो ये जब फुलफिल रहेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10। जब हाफ फिल रहेगा तब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके? 5 होंगे। ठीक है, तो वीबीटी ये कहता है कि कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए आपका ओवरलैपिंग होना जरूरी है। किसके बीच में? हाफ फिल वैलेंस ऑर्बिटल। हमें पता है, जैसे मुझे H2 बनाना है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, इसके पास एक, तो हम लोग क्या करते हैं? शेयरिंग कराते हैं। तब हमारा कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ? कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। सेम हियर, अगर एच है, 1s1 है, ठीक है, एस में कितने ऑर्बिटल्स हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 है। दूसरा हाइड्रोजन है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारे? एस ऑर्बिटल में एक है, तो इन दोनों का ओवरलैपिंग होगी, दूसरे पे ओवरलैप करेंगे तब कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मैंने फर्स्ट पॉइंट यही लिखाया था। मैंने सेकेंड पॉइंट कल ही एक्सप्लेन किया था कि जो जो पेयरिंग होगा ऑर्बिटल्स का, वो इस तरह होगा, ऐसे होगा कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो सके। क्या हो सके? मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो सके। मैंने सेकंड पॉइंट का लिखवाया था इशिका, या फिर बस फर्स्ट पॉइंट ही लिखा के छोड़ दिया था मैंने? मैम हमने ओवरलैपिंग लिखा था एंड देन वी रोट अबाउट डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग. ओके ओके, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। यस ओके मैम द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ओके, अब मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि देखो, ओवरलैपिंग मतलब होता है एक दूसरे पे ओवरलैप करना। जैसे तुम्हें पता है एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है, तो दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे।
जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना, जैसे ये ओवरलैपिंग कराया मैंने और एक मैंने यहाँ पे ओवरलैपिंग कराया, तो ओवरलैपिंग अच्छे से इस वाले में हो रहा है दिस वन, तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग अच्छे से होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, मोर द ओवरलैपिंग मोर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्लियर है? मैंने कल यही पॉइंट बताया था। आगे बढ़ने से पहले आप सबको पता है कि एस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, आई मीन शेप क्या होता है, स्पेरिकल होता है। विभूति व्हाट इज द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? ताहिरा, पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? इशिका आप बता दो पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? मैम डम्बल शेप। ओके, तो अब हम नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ेंगे कि ओवरलैपिंग किस तरह से हो सकता है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, कि ओवरलैपिंग किस किस तरीके से हो सकता है, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, तो फर्स्ट जो नेचर है ओवरलैपिंग का, ताहिरा इतना लेट में रिप्लाई क्यों कर रहे हो आप? तो फर्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो क्या है आपका, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग में हम पढ़ेंगे कोएक्सियल ओवरलैपिंग। मैं समझाती हूँ कोएक्सियल ओवरलैपिंग क्या होता है, तो पढ़ेंगे कोएक्सियल ओवरलैपिंग। कोएक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होता है, मोड ओवरलैपिंग होता है। मैं देखो बताती हूँ, देखो एक्सियल मतलब होता है एक्सिस, मतलब जो ओवरलैपिंग होगा कहाँ होगा, एक्सिस के अलोंग होगा। किसके अलोंग होगा? एक्सिस। मान लो मैं पी ऑर्बिटल्स ले रही हूँ, ठीक है, पी ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है, डम्बल होता है, ऐसे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस टाइप से तुम्हारा ओवरलैपिंग हो रहा है, दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड कोएक्सियल ओवरलैपिंग, और इसमें सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग कोएक्सियल में ही होता है। ठीक है, मैंने थोड़ा डायग्राम सही नहीं बनाया, स्टेट ये एक्सिस के अलोंग होगा इसलिए इसको कहते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग। ये एक्सिस बीच से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, एक्सिस इसके अलोंग ओवरलैपिंग हो रहा है, इसे हम कह रहे हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग, एंड दिस इज मोर ओवरलैपिंग, इसमें ज्यादा ओवरलैपिंग कोएक्सियल ओवरलैपिंग में ही होता है। क्लियर, वो डाउट? अब कोएक्सियल मैंने ये दिखाया, ठीक है, मैंने पी और पी के बीच में दिखाया कोएक्सियल ओवरलैपिंग, मैंने मैम पहला कैन यू किसके बीच में एक्सप्लेन दिखाया। इट अगेन? आई एम टेलिंग दैट कोएक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होता है, आपका एक्सिस के अलोंग ओवरलैप होता है, तुम्हें पता ना एक्सिस इस टाइप अलोंग द एक्सिस इस टाइप से होता है, तो आपका जो पी का शेप होता है वो कैसा होता है, डम्बल होता है, दिस इज डम्बल, यस मैम। और दूसरा पीस का भी डम्बल, तो ये इस टाइप का ओवरलैपिंग हो उसे हम कहते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग। मैम ये जो इट मैंने कैन बी दिखाया, एनी एक्सिस एक्स और वाई। नहीं नहीं इट्स अलोंग द एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा पी और पी के बीच में मैंने ओवरलैपिंग दिखाया, दिस इज कॉल्ड यस मैम। एक्सियल। अगर मैं एस और पी के बीच में दिखा सकते हैं, वी कैन ड्रॉ बिटवीन एक्स एंड पी आल्सो एस प्लस पी, यू नो ना व्हाट इज द शेप ऑफ एस, एस का शेप स्पेरिकल होता है और पी का क्या होता है, डम्बल, तो ऐसे ओवरलैपिंग होगा, ये एस पी ओवरलैपिंग हो गया, कौन सा ओवरलैपिंग हो गया, एस पी ओवरलैपिंग, दिस इज कोएक्सियल। आप लिख के बना दो, एस एस पी बना दिया मैंने, आप लिख देना ए में कि पी प्लस पी पी ओवरलैपिंग है, प्लस मत लिखना डैश देना, पी पी ओवरलैपिंग है ये, और डायग्राम बना के दिखा देना, ये दिखाना एस 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 पी ओवरलैपिंग है ये मैंने बनाया, एस एस का शेप स्पेरिकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ, उसको रब कर दूं, मैं से हटा रही हूँ। ओके, तो मैं थर्ड ओवरलैपिंग बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ एस और एस के बीच में ओवरलैपिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग एस और एस के बीच में बना रही हूँ मैं।
ये एस स्पेरिकल हुआ एक, और ये एस क्या हुआ, ये मैंने दो एस बनाया, ये एक एस ये है एक एस ये है, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा, ऐसे होगा ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये आपका एस एस के बीच में ओवरलैपिंग होगा। तो मैंने जनरली आप लोग को आज बताया है, आपको मैंने समझाया है कौन सा ओवरलैपिंग, को एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। को एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होता है आपका ओवरलैपिंग, दो ऑर्बिटल्स जो है एक दूसरे से ओवरलैप करती है अलोंग द एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरी बात, ये ओवरलैपिंग जो होता है बहुत मोर ओवरलैपिंग होता है, मतलब यहाँ पे ज्यादा एरिया ओवरलैप करता है, ठीक है। जो दूसरा ओवरलैपिंग होता है वो कोलेटरल ओवरलैपिंग होता है, मैं वो भी समझाती हूँ क्या होता है। ओवरलैपिंग दो तरह का होता है, कोएक्सियल और कोलेटरल, ठीक है। सेकेंड ओवरलैपिंग है कोलेटरल, TERAL, ताहिरा मैंने जो पहला पढ़ाया था वो मैंने कोएक्सियल ओवरलैपिंग पढ़ाया था, ठीक है। कोएक्सियल मतलब अलोंग द एक्सिस होता है, मैंने हर टाइप का ओवरलैपिंग दिखाया था। पहला मैंने दिखाया था कि एस और एस के बीच में ओवरलैपिंग, ओ और पी मतलब ओवरलैपिंग कैसा होगा, दो एस ऑर्बिटल्स हैं आपका, ठीक है, वो ऐसे ओवरलैप करेंगे, ठीक है। दूसरा मैंने दिखाया था आपका एस और पी के बीच में दिखाया था ओवरलैपिंग, एक एस है एक पी है, कैसे ओवरलैप करेगा, ऐसे ओवरलैप करेगा, क्या बनाएगा आपका, एस पी और ओवरलैपिंग होगा, हाँ है ना। तीसरा मैंने बताया था पी प्लस पी ओवरलैपिंग, मतलब दो पी ऑर्बिटल्स क्या होंगे अलोंग द एक्सिस, क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और कैसा ओवरलैपिंग होगा, ऐसा इस तरह का ओवरलैपिंग होगा। इस ओवरलैपिंग को हम कहते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग, एंड दिस इज मोर, इसमें मोर एरिया ओवरलैप होता है। इशिका ताहिरा एंड विभूति, इज इट क्लियर व्हाट इज कोलेटरल ओवरलैपिंग। Any question Ma'am, regarding? all this was coaxial overlapping. Yes, along the axis. All are the coaxial overlapping. मैं तुम्हें यहाँ पे एस 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 पी 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 और एस पी के बीच में ओवरलैपिंग दिखा रही हूँ। और coaxial तुमने सुना होगा, there are two types of bond, sigma and pi, है ना। तो जो ये coaxial ओवरलैपिंग की वजह से sigma bond बनता है, और collateral ओवरलैपिंग से तुम्हारा pi bond बनता है। ताहिरा डन, तो आप पहले कोएक्सियल का डेफिनेशन लिख लो, मैं कोएक्सियल का डेफिनेशन लिखा दे रही हूँ, व्हाट इज कोएक्सियल बॉन्ड, ठीक है। लिखो, इन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, इन दिस इन इन दिस मैम, इन वेयर डू वी राइट दिस? इन कोएक्सियल ओवरलैपिंग मैं उसका डेफिनेशन लिखा रही हूँ कि क्या यस होता है, मैंने मैम, समझा तो दिया, आई एम जस्ट गिविंग अ डेफिनेशन। इन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, इन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, इन दिस टाइप ऑफ एंड टू एंड, इसमें क्या होता है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, एंड टू एंड मतलब एंड मतलब कोने से ही हो रहा है ना, एंड टू एंड हो रहा है, एंड टू एंड एंड टू एंड ओवरलैपिंग, takes place resulting resulting in the formation of sigma bond, sigma को लिखते हैं, sigma का shape तुम्हारा ऐसे होता है, ठीक है। तो देखो, मैंने तुम्हें पहला पॉइंट यही बताया था, जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो ओवरलैपिंग से होता है, ठीक है।
तो मैंने दो टाइप का ओवरलैपिंग बताया, कोएक्सियल एंड कोलेटरल। तो पहले हमने कोएक्सियल डिस्कस किया है, इसमें जो एंड टू एंड ओवरलैपिंग होता है, इससे कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई। तो तुम्हारा कोएक्सियल की वजह से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। डन। मैं इसमें एक चीज और बताना चाह रही हूँ, अब मैं फिर से थोड़ा डिटेल में बता दे रही हूँ। जैसे हमने पढ़ा फर्स्ट, हमने किस जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग पढ़ा, हमने किस में बीच में पढ़ा, एस और एस के बीच में पढ़ा, मतलब एस कॉर्बिटल स्फेरिकल होता है और आपका क्या होगा, ओवरलैप होके ये बनेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर मैं लू H2 हाइड्रोजन, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1s1 में होता है। तो दो दो हाइड्रोजन है, तो एक 1s1 मैंने ये लिया और दूसरा 1s ये लिया, और ये ओवरलैप होके क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ऐसे, है ना। यहाँ पे ओवरलैपिंग किसके बीच में, 1s और 1s के बीच में हुई। अगर मैं ऑर्बिटल्स के टर्म में तुम्हें दिखाऊं कि हमें पता है ऑर्बिटल्स के टर्म में कि हाइड्रोजन है, इसमें इलेक्ट्रॉन 1s में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, 1s कैरी वन इलेक्ट्रॉन। उसी तरह दूसरा हाइड्रोजन है, उसके भी 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एंड हाफ फिल्ड है। तो यहाँ पे मैंने एक इसका ऑर्बिटल बनाया, इसका ऑर्बिटल बनाया, दोनों में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, क्या होगा, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग होके बॉन्ड का फॉर्मेशन बन होगा। क्लियर है। अगर मैं sp का एग्जांपल अगर लेना चाहूँ, मैंने ss का एग्जांपल दिया, अगर मैं when we talk about sp, so I'm only in these three types sigma bond is formed. Yes. अगर मैंने तुम्हें एक अभी ओवरलैपिंग बताया था, sp ओवरलैपिंग बताया था ना, कि ओवरलैपिंग किसके बीच में होगा, sp s के बीच में होगा और p के बीच में होगा। ठीक है, तो अब मैं इसका एग्जांपल मैं लेके समझा दे रही हूँ। जैसे sp मैंने लिया, यू नो द शेप ऑफ s इज, s का शेप क्या है, स्फेरिकल है, और p का क्या होता है, डम्बल। शेप ऑफ p इज डम्बल। जब ओवरलैपिंग होगा तो ऐसा ओवरलैपिंग होगा, अगर तुम इसका एग्जाम्पल लो HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका एग्जांपल क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तुम्हें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 1s1। ओके, ताहिरा यू आर करेक्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 1s2, 2s2 एंड 2p5। क्लियर है, हाँ या ना, यही तो होता है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगा किसके बीच में होगा, हाइड्रोजन के 1s के, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो फ्लोरीन की 2p में होगा। तो मतलब ओवरलैपिंग जनरली किसके बीच में होगा, 1s और 2p के बीच में होगा, जिसे वो कहते हैं sp ओवरलैपिंग, एंड दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। मतलब यही ना बनता, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में ऐसे बॉन्ड दिखाते हैं, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। कोई डाउट, एनी डाउट इन कोलेट्रल कोएक्सियल ओवरलैपिंग? मैं पीपी का भी एग्जांपल दिखा दे रही हूँ, इफ यू वांट टू नोट डाउन प्लीज नोट डाउन इट। अगर आप एग्जांपल के रूप में, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ओवरलैपिंग SS होता है, SP होता है, मैंने उसका एग्जांपल भी देके आपको समझा दिया कि जैसे SS किस में होता है, दो हाइड्रोजन में होता है, SP किस में हो रहा है, हाइड्रोजन फ्लोरीन में हो रहा है। अब मैं आपको एक और पीपी का ओवरलैपिंग भी समझा दे रही हूँ। जनरली सिग्मा बॉन्ड जो कब बनेगा, जब SS ओवरलैपिंग होगा तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जब पीपी ओवरलैपिंग होगा तब बनेगा, और जब SP होगा तब बनेगा सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? सो मैम HF ओनली 2p ओवरलैप्स विद, हाँ यस, क्योंकि हम मैंने तुम्हें स्टेटमेंट लिखाया था कि फर्स्ट में कि जो तुम्हारा ओवरलैपिंग होता है किसके बीच में, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल से होता है ना। तुम्हारे यहाँ पे वैलेंस लास्ट सेल कौन सा, 2p, एंड इट इज एम्प्टी, ये खाली है, एक इलेक्ट्रॉन, हाफ फिल्ड, एक ऑर्बिटल। तुम्हारा जब तुम 2p5 का स्ट्रक्चर बनाओगी, मैं यहाँ बना रही 2p5, देखना, आई एम मेकिंग 2p5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, 5 इलेक्ट्रॉन से पहले हम सिंगली फिल्ड करते हैं, तुमने पढ़ा होगा मॉनसून, देन यहाँ पे मैंने पेयरिंग किया। तो अब देखो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट इज हाफ फिल्ड, एक इलेक्ट्रॉन आ सकते, तो यहाँ पे तुम्हारा ये जो p ऑर्बिटल है इसका यहाँ पे s से ओवरलैपिंग होगा। क्लियर है? यस मैम।
विभूति क्लियर, वी विल नेक्स्ट मूव टू। मैं तुम्हें एग्जांपल एक बता दे रही हूँ, पीपी का भी बता दे रही हूँ, ठीक है, पीपी ओवरलैपिंग का, पी प्लस पी, ठीक है। तो अब मैं एग्जांपल लू एफ टू की, फ्लोरीन, तुम्हें पता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p5। अब इसका मैं लू दूसरे फ्लोरीन का लू, 9 ही होता है, इसका भी कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2 और 2p5। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग किसके बीच में होगा, पीपीपी के बीच में होगा, हाँ या ना। तो मैंने 2p बनाया, मैंने एक और 2p बनाया और ओवरलैपिंग करा दिया मैंने। कोई डाउट? तो को एक्सियल ओवरलैपिंग से हमें सिग्मा बॉन्ड मिलता है, ठीक है, पहला बात तो ये, को एक्सियल बॉन्ड से हमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। को एक्सियल बॉन्ड में एस एस में दिखाया, एसपी में दिखाया और पीपी, और ओवरलैपिंग किसके बीच में होगा, वैलेंस सेल के बीच में होगा। कोई डाउट इशिका, ताहिर एंड विभूति? मैम इधर हाउ डस टू, प्लीज पार्डन इशिका, मैम इधर हाउ डस 2p5 एंड 2p5 फॉर्म कंपाउंड? I am writing the electronic configuration of fluorine. It contains 9 electron. 2 electron goes to 1s and another 2 electron goes to 2s and the last 5 electron goes to 2p. Then we have making 2p. I am drawing the structure of orbitals of 2p. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन बनाया मैंने, दूसरे ऑर्बिटल 5 बनाया मैंने, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या होगा, यहाँ देखो हाफ फील्ड है ये शेल और ये भी हाफ फील्ड है। हमें पता है ना कोई भी एटम क्या चाहता है, स्टेबल होना, तो इसके स्टेबल कैसे होगा, इसके एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2, तो इसमें एक कम है, तो ये क्या होगा, इसके साथ ओवरलैप करेगा। व्हेन दिस ओवरलैप, तो यही ओवरलैपिंग है, किसके किसके बीच में हो रहा है, 2p और 2p, दोनों के, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग ऐसे होगा। इसका इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ वी मूव टू कोलेट्रल ओवरलैपिंग। सेकेंड इज कोलेट्रल स्ट्रेट कोलेट्रल ओवरलैपिंग। ठीक है, मैं पहले समझाती हूँ कोलेट्रल ओवरलैपिंग होता क्या, फिर मैं इसका डेफिनेशन लिखाऊंगी। ठीक है, देखो कोलेट्रल ओवरलैपिंग में क्या होता है, जो तुम्हारा पी ऑर्बिटल्स है, आई एम ड्रॉइंग दिस पी ऑर्बिटल्स, ऐसे और ऐसे ओवरलैपिंग होता है, इस टाइप का ओवरलैपिंग होता है हेड ऑन। ये ओवरलैपिंग ऐसा होगा, एक सेकेंड, ऐसे ओवरलैपिंग होगा, इसी को क्या कहते हैं हम, कोलेट्रल ओवरलैपिंग। दिस इज कॉल्ड कोलेट्रल ओवरलैपिंग। मतलब ये जो ओवरलैपिंग कैसे होगा, इसका इससे होगा और इस वाले का इससे होगा, इसी को हम कहते हैं कोलेट्रल ओवरलैपिंग। और ये कोलेट्रल ओवरलैपिंग से आपका पाई बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? पाई बॉन्ड। अब जब तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो बताया गया था पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक का नाम होता है पी एक्स, एक का नाम होता है पी वाई, एक का नाम होता है पी जेड। क्लियर है ये, याद है कुछ ये सब? मतलब कि एक जो पी बॉन्ड होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, एक जो होता है वो वाई एक्सिस के अलोंग होता है, एक जो होता है जेड एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पी एक्स के जो तुम्हारा पी है, पी एक्स तुम्हारा बनाता है सिग्मा बॉन्ड, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब पी वाई ऐसा रहेगा, तो पी वाई एंड पी जेड क्या बनाएगा आपका, पी एक्स और पी वाई पी जेड आपका पाई बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? तो कोलेटरल ओवरलैपिंग जैसे मैंने दिखाया ऐसा होता है, और ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड। तो आपके पास 3 पी ऑर्बिटल्स है, तो एक सिग्मा बनाएगा, बाकी 2 पाई बनाएगा, इन दोनों में कोलेटरल ओवरलैपिंग होगा, बस एक्स वाले में कोएक्सियल होगा। एनी डाउट नाउ? ओके, ओके, आई एम टेलिंग दैट कोलेटरल ओवरलैपिंग क्या होता है, वो सामने सामने ओवरलैपिंग होता है। जैसे मैंने तुम्हें दिखाया पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग, जैसे आपका पी ऑर्बिटल्स है ये,
तो ये एक पी ऑर्बिटल ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, दिस टाइप ओवरलैपिंग इज कॉल्ड कोलेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो जो कोलेटरल ओवरलैपिंग है वो किस चीज का फॉर्मेशन कराता है, पाई बॉन्ड का, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि P में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। जो X वाला है आपका अलोंग द X एक्सिस, इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ओके। और आपका Y और Z है वो लैटरल ओवरलैपिंग कराएगा और आपका पाई बॉन्ड बनाएगा। मतलब आपके पास P में तीन ऑर्बिटल्स है तो एक सिग्मा बनाएंगे, बाकी दो पाई बनाएंगे। शिका, नाउ इट्स क्लियर? यस मैम। कोलेटरल ओवरलैपिंग कुछ भी नहीं होता, सामने सामने ओवरलैपिंग हो, ठीक है। तो मैम पाई इज अ डबल बॉन्ड। यस, पाई इज अ डबल बॉन्ड। यू नो व्हाट इज पाई बॉन्ड? जैसे मैं आपने पढ़ा होगा अल्कीन है, ठीक है, मैं बना रही हूँ, जिसमें अल्कीन बनाया, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो जब एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। अगर मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है तो मतलब एक सिग्मा होगा, दूसरा क्या होगा आपका पाई होगा, ठीक है। अगर मैंने कार्बन कार्बन ट्रिपल पर बनाया तो एक हमेशा एक सिग्मा रहेगा, बाकी दो क्या रहेगा पाई रहेगा, याद रखना। अगर किसी भी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक सिग्मा होता है, बाकी जो होगा वो आपका पाई बॉन्ड होगा। बस आपको याद रखना है कि पाई बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो कोलेटरल ओवरलैपिंग की वजह से फॉर्म होता है, और जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है वो को एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से फॉर्म होता है। इशिका, नाउ इट्स क्लियर? यस मैम। राइट द डेफिनेशन ऑफ कोलेटरल ओवरलैपिंग, ओके। इन दिस ओवरलैपिंग, मैं कोलेटरल ओवरलैपिंग की डेफिनेशन लिखा रही हूँ, आप लोग लिख लो। इन दिस ओवरलैपिंग, मैं ओवरलैपिंग को शॉर्ट फॉर्म में ओएल लिख रही हूँ, ओके। इन दिस ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, टेक प्लेस मैंने साइन परपेंडिकुलर बनाया, मैं लिखी देती हूँ, परपेंडिकुलर टेक्स प्लेस, परपेंडिकुलर टू इंटर निक्लूड एक्सिस, टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। देखो इस ओवरलैपिंग में क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर मैं चीज समझा दे रही हूँ क्या होता है। जैसे देखो मैंने ये पी ऑर्बिटल्स बनाया, आई एम मेकिंग दिस, तो बीच में न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियर एक्सिस ये होता है, क्या होता है, ये न्यूक्लियर एक्सिस है, दिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो जो आपका ओवरलैपिंग हो रहा है इसके परपेंडिकुलर हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, इसी को कहते हैं इस ओवरलैपिंग में क्या होता है, परपेंडिकुलर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग होता है, जिससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो मैं आपको एक डायग्राम बना रही हूँ, इसको डेफिनेशन लिखने के बाद वो डायग्राम नोट डाउन कर लेना, मतलब बना लेना। बना रही ये आपका पाई है, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये प्लस, ये पाई बॉन्ड है, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, फिर आपका क्या होगा, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ऐसे ओवरलैपिंग होगा दोनों के बीच में, ऐसे ओवरलैपिंग होगा, क्लियर है। उसका एग्जाम्पल मैं एक समझाऊंगी, एग्जाम्पल देके मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगी, सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, आई विल एक्सप्लेन इट, ओके। तो आपने देखा एसपी और एसपी के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और कैसा ओवरलैपिंग होगा, को एक्सियल, ठीक है। एस एस के बीच में कैसा ओवरलैपिंग होगा, को एक्सियल और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसी तरह एक पीपी के बीच में क्या होगा, को एक्सियल होगा और सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और एक पी के बीच में क्या होगा, अगर डिफरेंट पी, एक बार दो पी ओवरलैप करे तो एक सिग्मा बनाएगा और एक पाई बनाएगा। मैं भी एग्जाम्पल से समझाऊंगी,
इन तीनों में आपका कौन सा ओवरलैपिंग होगा? को कोएक्सियल होगा। इसमें क्या होगा आपका? कोलेटरल होगा। कोएक्सियल से क्या बनेगा आपका? सिग्मा बनेगा और इससे पाई बनेगा। डन? कोई डाउट? इशिका, ताहिरा, विभूति? मैम, शुडंट एस एस ओवरलैपिंग हैव मोर स्टेबिलिटी देन एस पी? हाँ हाँ, यू आर करेक्ट। आई एम नॉट अरेंजिंग इन ऑर्डर टू देयर स्टेबिलिटी। व्हेन वी अरेंजिंग अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी देन वी नो दैट अगर मैं इसके स्टेबिलिटी के हिसाब से कराऊं तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू पाई। तो इसके हिसाब से आपके स्टेबिलिटी के हिसाब से ज्यादा ओवरलैपिंग अच्छे से जो होगा सिग्मा में वो पीपी के बीच में होगा। ठीक है, दिस इज मोर स्टेबल देन एस पी के बीच में एंड लास्ट में एस एस के बीच में होगा। एंड और फिर आपका पीपी कोलेटरल पाई बॉन्ड वाले के बीच में होगा। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल से आपको वो कर रही हूँ, समझा रही हूँ। डन? आई एम रबिंग दिस। मैं से हटा दूं स्लाइड को? अब मैं एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला O2 होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड हो रहा है तो एक आपका कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा। दूसरा कौन सा बॉन्ड होगा? पाई। कोई डाउट इसमें? मैं ये समझाऊंगी कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो याद रखना, अगर किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है देन इट इज सिग्मा। अगर दो तीन मल्टीपल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल, तो एक सिग्मा होगा बाकी पाई बॉन्ड होगा। तो मैं तुम्हारा एग्जांपल लेके समझा रही हूँ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का O2। O2 के क्या होता है? दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, मतलब इट कैरी वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड है, एक कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। ठीक है, वो कैसे फॉर्मेशन में समझा रही हूँ। ठीक है, अब देखना, मैंने एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक लिखा सिर्फ मैंने। इशिका, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? इशिका, ओके, ताहिरा, यू करेक्ट। इशिका, यस मैम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? मैम, 8। ओके, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? प्लीज डिटेक्ट। 1s2, 2s2। तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? दो एटम ऑक्सीजन के, इसके कॉन्फ़िगरेशन ही होंगे, दूसरे ऑक्सीजन के भी तो वैसे ही होंगे। हाँ, है ना, क्योंकि यही दो ऑक्सीजन के बीच में क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है आपका 1s2, 2s2 और 2p4। तो कोलन का रूल क्या है कि जो ओवरलैपिंग होता है वो वैलेंस सेल में होता है। ठीक है, अब मैं ऑर्बिटल्स बना रही हूँ, मैं 2p बना रही हूँ, एक ऑक्सीजन का 2p बना रही हूँ। पहले आई एम मेकिंग ऑर्बिटल्स ऑफ ये ऑक्सीजन, मैं 2p बना रही हूँ। तीन ऑर्बिटल्स हैं, चार इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, ये 2p बनाया मैंने इसका। ठीक है, एक और ऑक्सीजन, इसका मैं 2p बना रही हूँ, 1, 2, 1, 2, 3, ये 2p बनाया। इशिका, ताहिर, विभूति, यहां तक कोई डाउट है? मैं समझा रही हूँ कि जो तुम्हारा कोलेट्रल और एक्सियल ओवरलैपिंग में O2 मॉलिक्यूल में समझा रही हूँ, मैंने बताया कोएक्सियल से सिग्मा बॉन्ड बनता है, कोलेट्रल से पाई बॉन्ड बनता है। हाउ इट विल फॉर्म, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैंने क्या किया, एक ऑक्सीजन के एटम लिया O2, मैंने दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब इसमें क्या हो रहा है, हम ओवरलैपिंग कराने जा रहे हैं। हमने पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट, ओवरलैपिंग में हम लोग वैलेंस सेल यूज करते हैं। ठीक है, तो अब बताती हूँ मैं। हाँ इशिका, Yes, ma'am. No, ma'am, no doubt.
विभूति आ रहे हो? विभूति ओके, ओवरलैपिंग देखो कैसे होगा। मैंने ये बताया है कि अगर सिर्फ एक ओवरलैपिंग होगा तो उसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर दो ओवरलैपिंग हो रहे तो एक सिग्मा एक पाई, अगर तीन हो रहा तो एक सिग्मा तीन पाई। और विभूति तुम्हें कोई डाउट तो नहीं है ना? ऑल इज क्लियर। अब देखना यहाँ पे, ओके यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना, ये जो टू पी है वो फुलफिल्ड है, ये टू पी भी क्या है, फुलफिल्ड है। ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड, ये भी हाफ फिल्ड, ये भी हाफ फिल्ड, ये भी हाफ। तो क्या होगा, इसका ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग इस ऑर्बिटल से होगा, इसका इससे होगा। यहाँ पे कितने ओवरलैपिंग हो रहे, दो। और तो हमें पता है जब दो ओवरलैपिंग होते हैं तो इसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। तो ऑक्सीजन में ऐसे बनता है और ये सिग्मा होता है, ये पाई। कोई डाउट इशिका, इज इट क्लियर ताहिरा? फिजिक्स बस मैं तुम्हें ये समझाना चाह रही हूँ, अगर सिर्फ एक ओवरलैपिंग होता देन इट इज सिग्मा। पर यहाँ पे देखो तुम, ऑक्सीजन में दोनों ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड है ना, दोनों ऑक्सीजन में। तो इसका ओवरलैपिंग इस ऑर्बिटल से हम कराएंगे नीचे वाले से, और इसका इससे कराएंगे हम ओवरलैपिंग। तो अब दो ओवरलैपिंग हो रहा है तो एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा एक ओवरलैपिंग से, एक तुम्हारा एक्सियल ओवरलैपिंग होगा ऐसे, और एक आपका ओवरलैपिंग होगा कोलेट्रल। आप, कोई मैम डाउट तो नहीं समझ है ना? नहीं आया। समझ में नहीं आया तुम्हें ये? मैं तुम्हें ये समझा रही हूँ, एक सेकेंड। ओके मैं तुम्हें ये समझा रही हूँ, यहाँ पे टू पी ऑर्बिटल दिख रहा है तुम्हें ऑक्सीजन का, इसमें देखो एक ऑर्बिटल पूरा फुलफिल्ड है, दिस इज फुलफिल्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन फेल है। अब इस ऑर्बिटल में देखो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी देखना ये फुलफिल्ड है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस वाले से ओवरलैप करेगा, ठीक है, पेयरिंग करेगा। और इसका ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन से ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे कितनी ओवरलैपिंग हो रही है, दो ओवरलैपिंग हो रही है, यस एक इस मैम, पी के बीच, एक इस पी के बीच। जब दो ओवरलैपिंग होती है ना, तब एक कोलेट्रल ओवरलैपिंग होती है, एक कोएक्सियल होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैम दोनों पी वाई और पी जेड होते तब। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है हमेशा। हाँ तो नहीं, ऐसा नहीं होता हमेशा, पहले बनाता है आपका सिग्मा तभी पाई पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ऐसे पॉसिबल नहीं कि आपके मॉलिक्यूल में दो पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करे, पॉसिबल नहीं है, पहले सिग्मा देन पाई। तो अब यहाँ इसका इससे ओवरलैपिंग हुआ, तो ये तुम्हारा कोलेट्रल ओवरलैपिंग होगा, जिसकी वजह से आपका क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और ये कोएक्सियल होगा, जिसकी वजह से आपका क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, जो लिथियम ओ डबल बॉन्ड ओ, तो इसमें एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है। आप समझ में आया शिका? यस मैम, कोई डाउट है तो बोलो। अगर मैं दोनों ऑर्बिटल का डायग्राम बनाऊंगी कंबाइन करके इसके, तो एक एक एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगा, एक वाई एक्सिस के अलोंग रहेगा, रहेगा। और एक इस वाले मॉलिक्यूल का भी एक एक्सिस के अलोंग रहेगा, एक वाई के अलोंग रहेगा, दोनों ऑक्सीजन का। तो इसका ऐसे ओवरलैपिंग होगा, तो इससे क्या बना तुम्हारा, सिग्मा बॉन्ड। एक का ओवरलैपिंग कैसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, इसके ऐसे बनेगा पाई बॉन्ड। अब मैं एक केस और समझा दे रही हूँ नाइट्रोजन का, और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के केस समझा रही हूँ, फिर आई होप क्लियर हो जाए। अब मैं एन टू मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो एन टू मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन के बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड होता है। मैंने समझाया, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है एक सिग्मा होता है, दो पाई होगा। कैसे होगा मैं वो समझा रही हूँ, ठीक है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, एनीवन प्लीज? सेवन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ताहिरा आपको अभी समझ में आ जाएगा, इससे समझा रही हूँ मैं, ठीक है। एटॉमिक सेवन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2 और 2p3। कोई डाउट? उसी तरह एक और नाइट्रोजन है आपके पास, उसका भी एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है। अब देखना, हमें वैलेंस सेल से मतलब है, हमें अंदर के इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, हमें इन 2p से मतलब है, ये 2p से। तो मैं इसका डायग्राम बना रही हूँ, पहले नाइट्रोजन का 2p का बना रही हूँ स्ट्रक्चर,
इन ऑर्बिटल से कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तीन है, तो हम सिंगल ही फिल्ड करेंगे, 1, 2, 3। कोई डाउट है? दूसरा है उसका मैं बना रही हूँ, सिंगली फिल कर रहे हैं, 1, 2, 3। अब देखना ऑल आर इनकम्प्लीट, कोई कम्प्लीट तो नहीं है ना, किसी को ऑर्बिटल फुलफिल नहीं है ना। अब तीनों ओवरलैप करेगा, तीनों क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। तो तुम्हें पता है ये वाला इससे करेगा ओवरलैप, ये वाला इससे करेगा, एक वाला किससे करेगा? इससे करेगा। हाँ है ना? कोई डाउट ऐशिका ताहिरा, कोई डाउट ओवरलैपिंग से रिगार्डिंग? मतलब एक जो ओवरलैपिंग होगा आपका ऐसे होगा, एक्सियल के अलोंग होगा, जो आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जो दो ओवरलैपिंग होगा वो कैसा होगा? लैटरल होगा, जो पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो अब मैं तीनों तीनों ऑर्बिटल साथ में बनाती हूँ। ठीक है, पी के तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, एक क्या होंगे तुम्हारे? एक आपके होंगे एक्सियल होंगे, एक ऐसे होंगे और एक ऐसे होंगे। ठीक है, वैसे ही बना रही हूँ मैं, एक एक्सियल ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। अब देखो ये एक्सिस वाला ऐसे होगा ओवरलैपिंग, कोलेट्रल ऐसे इसके होगा, इससे होगा, और एक कोलेट्रल का इससे होगा और इससे होगा। तो बी को एक्सियल से आपका क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड, और कोलेट्रल से पाई बॉन्ड बनेगा। तो एक सिग्मा, दो पाई, दिख रहा है? आप समझ में? ओके, आई एम ड्राइंग इट वन अगेन। देखो पी ऑर्बिटल्स तीन होते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग होते हैं जो मैंने ये बनाया, एक वाई एक्सिस के अलोंग होते जो मैंने ये बनाया, और एक जेड एक्सिस के अलोंग होते जो मैंने ये बनाया। ठीक है, उसी तरह एक और नाइट्रोजन के होंगे, एक वाई एक्सिस के अलोंग बनाया, एक्स एक्सिस के अलोंग बनाया और एक जेड एक्सिस के अलोंग हुआ। अब ओवरलैपिंग होगा, एक्स वाले का एक्स से होगा, जिससे एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब पी वाई से तुम्हारा क्या होगा? कोलेट्रल ओवरलैपिंग होगा, जिससे क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। और जेड वाले से भी कोलेट्रल ओवरलैपिंग होगा, है ना, जिससे आपका एक और पाई बॉन्ड बनेगा। तो टोटल दो पाई एक सिग्मा बन रहे हैं जो नाइट्रोजन के बीच में होते हैं। समझ में आया? कोई डाउट है? ऐशिका ताहिरा विभूति, एनी डाउट? ऐशिका आई एम ऑडिबल, ताहिरा विभूति, एनी डाउट? हेलो, आई एम ऑडिबल और नॉट? ओके ताहिरा, नो डाउट। ऐशिका विभूति, विभूति और डाउट? ऐशिका नो मैम, नो मैम, नो डाउट। ओके, तो अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, देखो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, वो कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, तुमको पता है। ठीक है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एंड पाई बॉन्ड जो होता है वो आपका क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। उसी तरह हमारा, एक सेकेंड, हाँ सिग्मा, अगर जैसे मैंने बात किया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बात किया मैंने, ठीक है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में पहले दो बॉन्ड है, पहले एक बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड, तब पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ एग्जिस्ट करता है अकेले, कभी कभी तुमने सुना कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड? बिल्कुल नहीं, हमेशा अगर एक बॉन्ड है तो हमेशा वो सिग्मा होगा। तो सिग्मा बॉन्ड जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और अब एक और, जो सिग्मा बॉन्ड के अलावा रोटेशन बहुत आसानी से हो जाता है, आराम से रोटेट कर जाएगा ये। अगर पाई बॉन्ड आ जाएगा उसमें तो रोटेट करने में बहुत दिक्कत हो। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टिक को हम आसानी से गोल गोल घुमा सकते हैं, दो स्टिक आ जाएगा तो घुमाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और जब तुमने रेजोनेंस सुना हुआ क्लास 11, हाँ
क्लास 11 में भी हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस क्या होता है. रेजोनेंस जो होता है वो तुम्हारा पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होता है, मतलब पाई बॉन्ड के मूवमेंट को हम कहते हैं रेजोनेंस. तो रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है. तो आप पहले डिफरेंस लिख लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. ड्रॉ कॉलम, दिस इज सिग्मा एंड पाई. सिग्मा बॉन्ड में पहला लिखना, राइट फर्स्ट पॉइंट. सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? कोलेटरल ओवरलैपिंग से, सॉरी को एक्सियल ओवरलैपिंग. फर्स्ट पॉइंट लिखना, को एक्सियल ओवर लैपिंग. पाई बॉन्ड कैसे बनता है? कोलेटरल ओवरलैपिंग. सिग्मा बॉन्ड जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, आसानी से टूट जाते हैं. सिग्मा बॉन्ड अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, तो लिखो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. और ये सिग्मा बॉन्ड के साथ एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट विथ सिग्मा बॉन्ड, एग्जिस्ट विथ सिग्मा बॉन्ड. क्लियर है? सिग्मा बॉन्ड लेस रिएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं करता, लेस रिएक्टिव. पाई बॉन्ड क्या होता है? मोर मोर रिएक्टिव होते हैं. क्लियर है? लिखो इसको पहले. ठीक है, तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो को एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली करता है और लेस रिएक्टिव होता है. जो पाई बॉन्ड होता है वो कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, वीक बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड के साथ ही एग्जिस्ट करेगा और मोर रिएक्टिव होता है, दिस मोर रिएक्टिव. सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन आराम से होता है, फ्री रोटेशन, आराम से वो घूम जाएगा. Free rotation around its free rotation around its own axis. इसमें rotation possible नहीं, rotation not possible. Rotation not possible. लास्ट पॉइंट लिखना, सिग्मा बॉन्ड जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता रेजोनेंस में. सिग्मा बॉन्ड डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, इन पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है.
आई बॉर्न पार्टिसिपेट और डन हो गया। इसे रब कर दूं मैं? ओके अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, उसमें आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। ओके कैलकुलेट कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज CH3 CH CH2, दिस इज फॉर यू, सॉल्व करो और बताओ इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है। ताहिरा विभूति आप भी सॉल्व करें, पर फर्स्ट आंसर इशिका देगी कितने पाई और सिग्मा बॉन्ड है। ताहिरा विभूति आप काउंट करके मुझे मैसेज भी कर दे, मतलब कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है। इशिका एम ऑडिबल ना? यस मैम। कॉल बिट एंड टेल मी हाउ मेनी पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। First question for Ishika and the second question for Tahira. I'm giving second question. Where's my pen? Tahira, there is no two sigma bond. Your answer is wrong. Third question. This is third. Ma'am, is it 1 pi and 8 sigma? Correct. And for the second? Tyra, it is wrong. There's no three sigma bond. I'm solving first one question, then we will discuss ma'am, second it, one question. Ma'am, is it 5 sigma and 2 pi bond? Okay, huh, correct. Yeah, correct. I'm solving first one. Tyra and Vibhuti, please. See here. I'm drawing the structure carbon. Just wait.
कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, इससे दो हाइड्रोजन अटैच मैंने बनाया, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ पे डबल पाई बॉन्ड है, फिर इससे तीन हाइड्रोजन अटैच है, मैंने बना ली तीन हाइड्रोजन, ये और ये, सॉरी देन वी हैव टू कम, एक हाइड्रोजन इससे अटैच है, ठीक है, तो तायरा एंड विभूति फॉर यू, आई एम काउंटिंग सिग्मा बॉन्ड, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, दिस 8 सिग्मा बॉन्ड, क्लियर है, मैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, दिस 1 पाई बॉन्ड, क्लियर है. Tyra, what is the answer of third question? Can you please give the answer? And Vibhuti also, text me. मैं सेकेंड क्वेश्चन कर रही हूँ. एक कार्बन है, एक कार्बन इससे तीन बॉन्ड है, ठीक है, इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन अटैच है, आई एम जस्ट ओके तायरा, आंसर इज करेक्ट. आई एम एक्सप्लेनिंग सेकेंड क्वेश्चन. ये कार्बन कार्बन है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो अब काउंट करो, 1, ये एक बॉन्ड हुआ सिग्मा, 2, 3, 4, 5, तो 5 सिग्मा बॉन्ड, एंड कितने पाई बॉन्ड है, 1 और 2, 2 पाई बॉन्ड. मैंने समझाया कि अगर किसी बॉन्ड में अकेला एक बॉन्ड है तो वो सिग्मा होगा, अगर वो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, और जब वो ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा बाकी 2 क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा. विभूति, व्हाट इज द आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन, प्लीज टेक्स्ट. हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन थर्ड क्वेश्चन, प्लीज विभूति रिप्लाई. विभूति, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन इन थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन BF3. थ्री, करेक्ट. इशिका, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड, आई मीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन थर्ड क्वेश्चन. मैम इन थर्ड क्वेश्चन देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स, नो पाई बॉन्ड. ओके, ओके, अभी हमारा वीबीटी खत्म हो गया. वीबीटी में हमने ये पढ़ा कि कैसे ओवरलैपिंग होता है, हमने वीबीटी में ये पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो ओवरलैपिंग से होता है, और ओवरलैपिंग किस टाइप से होता है, तो ओवरलैपिंग दो तरह का होता है, कोएक्सियल एंड कोलेटरल. कोएक्सियल से सिग्मा बॉन्ड बनता है, कोलेटरल से पाई बॉन्ड बनता है, और हमने सीखा हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. कोई डाउट, एनी डाउट इन दिस? देखो अब हम बता रहे हैं, हमने जो वीबीटी पढ़ा उसमें हमने यही पढ़ा ना कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है, पर उस थ्योरी, अब दूसरी थ्योरी आई जिसको हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वो बताता है किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा, शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, उसको एक्सप्लेन करता है, जो वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया था. जैसे तुमने सुना होगा CH4 जो होता है मिथेन, उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स और शेप को डिस्कस करने के लिए एक थ्योरी आया जिसे कहते हैं वैलेंस से रिपल्शन थ्योरी, उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे. तो वीबीटी में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. सो मैम फॉर वीबीटी थ्योरी वी ओनली हैव दोस 3 पॉइंट्स. यस, तो हम पढ़ने जा रहे हैं वैलेंस रिपल्शन थ्योरी.
ये थ्योरी क्या करता है, किसी भी तुम्हारे मॉलिक्यूल का, फॉर एग्जाम्पल H2O, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, उनके शेप और ज्योमेट्री के बारे में बताता है, और बताता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, तो शेप या ज्योमेट्री चेंज होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें वो बताएगा। ठीक है, तो पहले आप पॉइंट लिख लो टू एक्सप्लेन थ्योरी का फुल। हाँ, इसका शॉर्ट फॉर्म नेम होता है VSEP। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, तो देयर इज अ फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है टू एक्सप्लेन, ये क्यों आया था, दिस थ्योरी कम टू एक्सप्लेन शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मैम, व्हाट हैव यू रिटन आफ्टर एक्सप्लेन्स? एक्सप्लेन शेप है, सॉरी, एक्सप्लेन के बाद ये शेप आ गया, शेप शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर इन देखो यहाँ पे क्या होता है, ये थ्योरी हमें है ना, कोई भी मॉलिक्यूल जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिथेन, इन सब के शेप और ज्योमेट्री के बारे में बताता है कि उनका शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा। दूसरा यहाँ पे रिपल्शन, तुम्हें पता है ना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो अब दो तीन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन के बेस पे थ्योरी दी गई है, कैसे स्ट्रक्चर और शेप उसका बताया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये थ्योरी कहता क्या है, ये थ्योरी तुम्हें कहेगा कि मैं ये बताने जा रही हूँ, उससे पहले तुम्हें दो चीज समझ में आ जाना चाहिए, पहले से नोट डाउन कर लो फिर मैं बताती हूँ आगे। डन, आगे बढ़े। मूविंग टू नेक्स्ट, अब तुम्हें ये थ्योरी पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स पते होने चाहिए, जैसे लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है। किसी ने लोन पेयर के बारे में कोई बता सकता है मुझे, एनीवन हु एक्सप्लेन अबाउट लोन पेयर? इशिका, व्हाट इज लोन पेयर? मैम, इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट पेयर्ड अप इन एन ऑर्बिटल. ओके, हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, व्हिच इज नॉट, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो एक्स्ट्रा है, ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो आपका लोन पेयर हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाऊं, और बॉन्ड पेयर क्या, उसमें नाइट्रोजन बनाया, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन इसके पास लोन पेयर भी होता है,
यहाँ पे लोन पेयर दो है और यहाँ पे इसने बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो ये तुम्हारे बॉन्डेड पेयर है। जो इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे हम बॉन्डेड पेयर कहते हैं, और जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे नॉन बॉन्डेड उसे हम लोन पेयर कहते हैं। तो ये थ्योरी आपको ये कहता है कि तुम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री बता सकती हो, और कौन डिसाइड करता है कि उसकी शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर डिसाइड करता है। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर, वही डिसाइड करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और शेप क्या होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, उसका पोस्टुलेट्स लिखो, क्या कहता है ये। पोस्टुलेट्स लिखो इसका। पहला पोस्टुलेट्स लिखना। मैम अभी तो पॉइंट विच वी रोट दैट इज नॉट अ पोस्टुलेट. यस, हम लिखवाने जो जा रहे हैं। नो, इट्स नॉट अ पोस्टुलेट, इट्स जनरल इंट्रोडक्शन की व्हाट इज वीएसपीआर। ओके, अब ये क्या कहता है ये बता रहा है। जनरल इंट्रोडक्शन था कि जो वीएसपीआर है वो आपको शेप या ज्योमेट्री बताता है, ठीक है। अब वो पोस्टुलेट्स में ये है कि वो कैसे बताता है शेप या ज्योमेट्री, किसके हेल्प से। तो पहला, जो उसके बॉन्डेड पेयर है, जो लोन पेयर है, वही डिसाइड करेंगे कि उसका शेप क्या होगा, उसका ज्योमेट्री क्या होगा, ठीक है। अब हम इसको आगे हम यूज करके सीखेंगे भी कैसे निकालते हैं। तो अभी पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे सिखाएंगे कैसे करना उसे। तो पहले लिखना ज्योमेट्री एंड शेप, और आगे मैं डिफरेंस बताऊंगी ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाई डिसाइडेड बाई नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। वैलेंस सेल देखो, ये तुम्हारा पोस्टुलेट यही है कि तुम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री बता सकते हो, किसके हेल्प से, उसके लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर पे। तुम्हें देखना होगा उसके वैलेंस शेल में कितना लोन पेयर है, कितना बॉन्डेड पेयर है, उसके हेल्प से तुम उसकी शेप और ज्योमेट्री बता सकती हो। मैं आगे बताऊंगी कि कैसे बता सकते हैं हम, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री, शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज तुम देख लो, तुम्हें पता है ना कि जब नेगेटिव और नेगेटिव आते हैं तो आपस में क्या होता है, रिपल्शन होता है, हाँ या ना। नेगेटिव और नेगेटिव जो है उसमें रिपल्शन होता है। तो हम रिपल्शन अगर देखें, अगर मान लो ये नाइट्रोजन है, ठीक, इसके पास दो लोन पेयर ऐसे, दो लोन पेयर ऐसे, यहाँ पे इसने बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं नॉर्मल तुम्हें समझा रही हूँ, एक चीज समझा रही हूँ, जैसे मैंने नाइट्रोजन बनाया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है। तो अब देखो ये कहने का मतलब, जो लोन पेयर में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, रिपल्शन दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ना, मतलब कि रिपेल करना, जैसे नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होता है, दूर भागते हैं ना, वैसे ही। तो लोन पेयर में रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तुमसे पूछे कि रिपल्शन किसमें ज्यादा होगा, तो याद रखना लोन पेयर, और लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होगा, फिर बॉन्ड पेयर में होगा। क्लियर है? तो यहाँ क्योंकि देखो यहाँ पे लोन पेयर में रिपल्शन क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अब लोन पेयर में कहीं बॉन्डेड नहीं, वो अकेला है,
मतलब उसका सारे इलेक्ट्रॉन उसके पास है, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब जो बॉन्ड पेयर है उसका इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व है बॉन्डेड में, तो जो थोड़ा सा उसके वजह से थोड़ा रिपल्शन होगा। जब तुमसे पूछे कि रिपल्शन किस लिए किस पे ज्यादा होगा, तो याद रखना लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो इसमें कुछ नहीं है, हम लोग आगे डिस्कस यही करेंगे कि जो लेकिन आपका मैम बैलेंस, बॉन्ड पेयर में शुड बी द रिपल्शन मोर प्लीज पार्डन, मैम, बट शुडन्ट द रिपल्शन बी मोर इन बॉन्ड पेयर? नो इट इज रिपल्शन इज लेस इन बॉन्ड पेयर बिकॉज वी नो दैट अगर दो इंसान है, ठीक है, उसके पास कोई काम नहीं है, दोनों को एक रूम में रख दिया जाए, कुछ काम नहीं है, तो वो क्या होगा, आपस में बहुत झगड़े होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब एक इंसान है वो बिजी अपने लाइफ में, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो उसके झगड़े कम होंगे ना उसके रूम में। अगर मान लो दो लड़कियां दोनों दिन भर रूम में ही रह रही है, कहीं नहीं जा रही है, तो वो फ्री है, उन दोनों में क्या होगा, बहुत सारे झगड़े होने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो लोग दोनों रूम में ही हमेशा है, कुछ ना कुछ बातें हो सकता है। पर एक लड़की, अब दो लोग हैं, एक लड़की जो है हमेशा बाहर रह रही है, वो बिजी है अपने कामों में, वो रात में ही बस सोने को आती है, तो उनका जो इंटरेक्शन जो है अपने रूम वाली लड़की से कम होगा, तो उतनी झगड़े होने के चांसेस क्या है, कम है। हाँ हो सकता थोड़ा रूम लड़की रूम में रह रही, अब दोनों ही हमेशा के लिए बिजी है, बोथ आर बिजी इन देयर वर्क, तो रात में ही आ रही आगे सो जाएंगे, तो वहां पर रिपल्शन कम होगा। तो बस यही कि जो लोन पे वो फ्री है, दे आर नॉट बॉन्डेड टू एनी एटम्स, तो वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा, कुछ ना कुछ बात पे होता रहेगा। और बॉन्ड पेयर तो बिजी है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को किसी, उसने इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन को दे दिया, उसके पास पूरा इलेक्ट्रॉन खुद के पास नहीं है, वहां पर रिपल्शन कम होगा। क्लियर हुआ शिका? मैम हमारा क्वेश्चन क्या है, प्लीज आस्क वंस। रिपल्शन का ऑर्डर समझ में नहीं आया। देखो जो लोन पेयर, तुम्हें जो इलेक्ट्रॉन देख रहा है लोन पेयर का, यहाँ पे ये फ्रीली है, किसी एटम से बॉन्ड नहीं है। अब जैसे देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, यहाँ बॉन्डेड हो गया, मतलब इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद पे नहीं, खुद के पास नहीं है, सब कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो रिपल्शन कम होगा ना। रिपल्शन किस वजह से, नेगेटिव नेगेटिव की वजह से होता है। अब ये जो नाइट्रोजन का दो लोन पेयर है, वो उसके पास क्या है, खुद अवेलेबल है, कहीं बॉन्डेड नहीं है, और दोनों मैम बगल तीन में है। लोन पे नहीं होना चाहिए? मैं नॉर्मली जनरल बस एक समझा रही हूँ, इट इज नॉट ट्रू, बस नॉर्मल स्ट्रक्चर बना के मैं समझा रही हूँ, ठीक है। मैं इसमें ये कहना चाह रही हूँ कि अगर लोन पेयर है, तो उसमें रिपल्शन ज्यादा होता है, क्योंकि इसका सारा इलेक्ट्रॉन इनके पास है, कहीं बॉन्डेड नहीं, कहीं शेयर नहीं हो रहा इनके इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के पास में, बिजी है। लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन सारा इसके पास है, अकेला है, तो इन दोनों के बीच में क्या होने लगेगा, रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं बॉन्डेड ही नहीं है, उनके पास ही है, और दोनों करीब करीब है, तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्शन ज्यादा होता है। अब नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन को दे दिया, वो वहां बिजी है बॉन्डेड में, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां, हाइड्रोजन के पास, शेयर हो गया, तो नेगेटिव चार्ज कम होगा, तो यहाँ पे रिपल्शन कम होगा। थोड़ा तो समझ में आया होगा, बाकी मैं एक और एक्सप्लेन यस कर दूं मैम। अच्छे से एग्जाम्पल देखे। अब देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, रिपल्शन थ्योरी कुछ नहीं है, वो यहाँ पे थ्योरी है कि कोई भी मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया, NH3, वाटर, इनके ये शेप बताते हैं और ज्योमेट्री बताते हैं उनके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को काउंट करके, ठीक है। तो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी कैसे तुम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को काउंट करके इसकी ज्योमेट्री शेप बताओगी, ठीक है, और ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जितना मैंने पढ़ाया है उसको एक बार एनसीईआरटी से रीड करके आना, तब थोड़ा सा क्लियर होगा, जो डाउट होगा फिर मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है। तो कल जो क्लासेस होंगी हमारी, उसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगी कैसे तुम शेप और ज्योमेट्री को किसी एलिमेंट कंपाउंड का बताओगी, कैसे कैलकुलेट करके बताओगी, ठीक है।